अयोध्या में अगर आप आए, साज सजावट, विकास देख रहे हैं, राम मंदिर देख रहे हैं, बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एक और चीज है जिसके बारे में बहुत बात हो रही है, जिसका स्वाद बहुत ज्यादा लिया जा रहा है। यहाँ राम पथ पर एक जगह है जिसका नाम है मौर्य मिष्ठान भंडार। यहाँ की जो रबड़ी जलेबी या दही जलेबी है, इनका कोई खास कॉम्बिनेशन है। ये इतनी जबरदस्त तरीके से पॉपुलर हो चुकी है कि दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ का एक बार जलेबी, रबड़ी और जिस भी खास तरीके से ये लोग बनाते हैं, लाइन लगा करके आप देखिए कितनी भीड़ यहाँ पर रहती है। इस दही जलेबी के लिए लोग सुबह से वेट करते हैं। और खास बात यह है कि कहा जा रहा है कि जितने, ना सिर्फ आम लोग बल्कि खास भी, चाहे वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, बहुत सारे सेलिब्रिटीज हो, वो तक यहाँ रबड़ी जलेबी खाने आते हैं। आइए मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। देखिए इन्होंने यहाँ पर कुछ तस्वीरें फ्रेम भी करवाई हैं। बहुत सारे लोग जो हैं, यहाँ पर पूर्व में आ चुके हैं और विजिट कर चुके हैं इस जगह को। आइए फिर से एक बार आपको रबड़ी जलेबी का ही जायका हम दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर प्लेट पैक हो चुकी है। ये क्या पैक हुआ है? अभी तो समोसा लग रहा है। मैम ये समोसा है और एक खस्ता है। जी कुछ खास तरह से बनाते हैं? क्या जायका है जो एकदम से लोगों को इतना पसंद आ रहा है? बहुत स्वादिष्ट है और बहुत ही अच्छा बनता है यहाँ पे। मैं लगभग मैं 4-5 बार खा चुका हूँ यहाँ पे। हाँ। और मैं वोडाफोन का एम्प्लॉई हूँ, इसलिए मैं इधर ही विचरण कर रहा हूँ पूरा। अच्छा। चलिए ठीक है, आइए आपको उधर लिए चलते हैं और देखिए कितनी भीड़ वहाँ पे है। और फटाफट बनाने वाले को भी देखिए, इनके पास फुर्सत नहीं है सांस लेने की भी, और एक के बाद एक प्लेटों का ऑर्डर इनको मिल रहा है और बकायदा उस सबको नाप करके सबको दिया जा रहा है। कोई रबड़ी के साथ जलेबी खा रहा है, कोई दही के साथ खा रहा है, लेकिन अयोध्या आने के बाद, रामलला के दर्शन करने के बाद एक बार जो है लोग यहाँ का स्वाद चखना चाहते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी ऐसी जगह आते हैं तो वहाँ खास क्या खाया जाता है उस पर सबकी नजर रहती है, तो आपको तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है यहाँ पर। भैया भी बैठता, हम भी बैठते हैं। सबसे ज्यादा लोग क्या पसंद करते हैं यहाँ पे, क्या कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा मांगते हैं? दही जलेबी रबड़ी का मिक्स कॉम्बिनेशन हमारा रहता है, जो सबसे एंटी का और लाजवाब है। करिए समझ में आएगा आपको। हमने सुना है कि यहाँ से मंत्री, मुख्यमंत्री तक ऑर्डर मंगवाते हैं। जी जी जी, योगी जी जब दीपोत्सव में रुकते हैं तो हमारा ही दही जलेबी खाते हैं। हाँ, तो कुछ खास अलग तरीके से आप बनाते हैं कि क्या मेहनत है, तब आपको समझ में आएगा एंटी हमारा। आए जान लेते हैं, आप बताइए आप यहाँ पर क्या लेने आए हैं और उसके बारे में आपको? कनक भवन का प्रसाद लेने हैं, रबड़ी है, कनक भवन में रबड़ी चढ़ती, उसी के प्रसाद लेने आए। मतलब रबड़ी का प्रसाद भी कनक भवन में यहाँ से जाता है? कनक भवन जो कि सीता जी का महल कहा जाता है, तो उसका प्रसाद भी यहीं से जाता है? यही लेते हैं। तो आपको प्योरिटी पे इतना भरोसा है? 100%। हम लोग 20 साल से यहाँ पे लेते हैं, हम लोग बहुत पुरानी दुकान हमारी है। हमारी बहुत पुरानी दुकान है, हम लोग कनक भवन जाएंगे तो प्रसाद यहीं लेके जाएंगे। मतलब लोगों का इस कदर भरोसा है कि आप सोचिए कनक भवन कोई साधारण जगह नहीं है, सीता जी का महल कहा जाता है। देखिए यहाँ पे किस तरह इन जलेबियों को बनाया जा रहा है। सुबह से शाम तक ऐसा लग रहा है कि जैसे कितने बर्तन यहाँ पर खाली हो जाते होंगे, बताइए ऐसे कितने भगोने खाली हो जाते हैं? बनाते रहते हैं, आता रहता है, बनाते रहते हैं इसी में ऐसे। अच्छा। क्वांटिटी कोई नहीं करते हम लोग। सबसे ज्यादा समोसे का ऑर्डर मिलता है, जलेबी का या किस चीज का? सब चीज का मिलता है मैम। तो चलिए हम भी टेस्ट करते हैं और आप भी जब एक बार अयोध्या आए तो एक बार यहाँ पर जरूर आकर देखिए, यहाँ का जायका जरूर चखिए। आस्था कौशिक, न्यूज 18, अयोध्या।